अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। कालचक्र के आज के एपिसोड में देखिए एक ऐसे बाबा की भविष्यवाणी जो उन्होंने गोवर्धन पूजा के अवसर पर की है। ये बाबा गोवर्धन पूजा के अवसर पर पहले तो खौलते दूध से स्नान करते हैं, फिर अपना सिर हवन कुंड में दे देते हैं और उसके बाद करते हैं आने वाले समय की भविष्यवाणी। इस बाबा की कुछ भविष्यवाणी सत्य भी हुई है। तो 2023 की गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर कुछ ऐसा ही दृश्य था सोनभद्र के मारकुंडी घाटी में, जहां यादव समाज की ओर से गोवर्धन पूजा का आयोजन मंगलवार के दिन किया गया था। इस कार्यक्रम में पूजा करवा रहे पुजारी ने पूजा के दौरान अग्निकुंड में अपना सिर डाल दिया। इसके बाद पुजारी ने खौलते दूध से स्नान भी किया। जब इन आश्चर्यजनक कर्तव्यों के बारे में पुजारी से पूछा गया तो उनका कहना था कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें इन कार्यों को करने से कोई भी हानि नहीं होती, उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। पुजारी ने 2024 के लिए भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में सरकार बदलने की कोई संभावना नहीं है और उनका यह भी कहना है कि आगामी वर्ष में कुछ आपदाएं भी आ सकती हैं। सोनभद्र की मारकुंडी घाटी में स्थित वीर लोरिक पत्थर स्थल पर हर वर्ष दीपावली के बाद इस तरह का पूजा का आयोजन यादव समाज की ओर से किया जाता है। इस आयोजन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और इस दौरान पुजारी अनेक तरह के आश्चर्यजनक चीजें भी पूजा के दौरान करते दिखाई देते हैं। गोवर्धन पूजा करने वाले पुजारी ने वर्ष 2024 के लिए कई और भविष्यवाणियां भी की हैं। उनका कहना है कि सरकार के कार्यों के कारण ही अभी जनता उनका समर्थन कर रही है और ये समर्थन 2024 के बाद भी चलता रहेगा। सरकार बदलने की कोई प्रभावित नहीं है, सरकार का लव जो है जनता के अंदर प्रभावित है, लेकिन उसमें कुछ कला चल रही है, उस कला को रोक दीजिएगा बदल जाएगी। आपदा आएगी अगले सन में 2024 में, बड़ा बीमारी भी होगी और देश हमारे और दूसरे देश से टकराव होगा, इससे बड़ा क्षति होगी। जब जनता के विचार बदलेंगे तभी जो है जनता सरकार बदलेगी। पुजारी का ये भी कहना है कि आगामी वर्ष में प्राकृतिक आपदाएं और बीमारियों के कारण महामारी भी अपना बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ने वाली है। पुजारी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं से काफी नुकसान होने वाला है। इसके साथ ही साथ उन्होंने 2024 में किसी दूसरे देश से टकराव होने की भी आशंका व्यक्त की है और उनका कहना है कि इससे काफी हानि भी हो सकती है, जबकि देश में अतिवृष्टि और अनावृष्टि की स्थिति भी बनी रहेगी, जिससे कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की स्थिति बनी रहेगी। प्रतिवर्ष होने वाले गोवर्धन पूजा में पतिवाह राजेंद्र बाबा के द्वारा पूजा के बाद भविष्यवाणी की एक परंपरा चलती चली आ रही है। इस भविष्यवाणी में बहुत सी बातें सही भी होती रही हैं, जिससे लोगों का विश्वास है कि बाबा के द्वारा की गई भविष्यवाणी इस बार भी सत्य होगी। इनकी भविष्यवाणी सुनने और पूजा को देखने के लिए और बाबा को खौलते दूध से स्नान करते हुए देखने के लिए बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। साथ ही पूजा करने वाले पंडित के चेहरे पर खौलते हुए दूध का छींटा अगर किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। यद्यपि इन कर्तव्य में कोई भी व्यक्ति जलता नहीं है और ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचता है, इन्हीं कर्तव्यों को देखकर लोगों की आस्था दिनों दिन इस पूजा में बढ़ती जा रही है और बाबा के द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणियों को सुनने के लिए भी बहुत दूर दूर से लोग एकत्रित होते हैं। गोवर्धन पूजा के अवसर पर जो और एक भविष्यवाणी की गई है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि देश में आपदा और बीमारी का प्रकोप इस 2024 में देखने को मिलेगा और इसी के साथ 2024 में ही भारत देश जो है वो दूसरे देशों के साथ कुछ संबंध उसके खराब होंगे, यहाँ तक कि संबंध खराब हो सकते हैं जिससे दो देशों में युद्ध की स्थिति भी बन जाए और इससे देश को काफ़ी नुकसान होने वाला है। उन्होंने बताया कि देश में कहीं अत्यधिक बारिश होगी तो कहीं सूखा पड़ेगा और इस कारण जो है वो अनाज की पैदावार पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। इस कार्यक्रम के दौरान एकत्रित भीड़ ने बाबा के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को सुना। इस गोवर्धन पूजा में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो दर्शकों आज के अंक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।